तो दोस्तों, पोखरण से निकलकर और न्यूक्लियर साइट का बताकर मैं पहुंचा हूं एक चाय की दुकान के, वहां पे चाय की थड़ी जिसे बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। और ये है धोलिया एक जगह। मैं आपको पहले लोकेशन बता देता हूं कि ये मेन एरिया जा रोड जा रहा है पोखरण से जैसलमेर का। लोकेशन आप देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे इस ढाणी का नाम है महादेव, महादेव होटल, ठीक है। वहाँ पे मांगीलाल भैया मिलेंगे आपको, और बहुत बढ़िया चाय बनाई है इनने, मैंने पी है अभी, ठीक है। खाना भी है भैया अपना, खाना भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी रेट है और बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर दो दादा भी हैं इनके साथ, ठीक है। दादा, और क्या है घूमने का इधर, थोड़ा बताओ। बोलो बोलो बोलो, ऊँटनी वगैरह। हाँ, ऊँटनी वगैरह। हाँ सर, ऊँटनी। दादा आपकी कितनी उम्र है? उम्र है 80 साल। 80 साल की उम्र है दादा की। और पोखरण से ही हो आप? यहीं से हो? यहीं धोलिया से हैं ये दादा। और का यहाँ क्या है, मतलब और क्या है कुछ? ऊँटनी है हमारे पास। हाँ, गाय है। गाय है। सलमान खान वाला कांड हुआ था, उस अच्छा, सलमान खान वाला जो हुआ था वो, हाँ, हिरण वाला, उस जाति से बिलोंग करते वो, यही है वो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जब भी आ रहे हो ना, बड़ी होटलों को छोड़ो, अगर असली राजस्थानी कल्चर आपको देखना है, असली देखना है, तो छोटी धाणी जो है, जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे 80-80 साल के, इनके पास इतना ज्ञान है कि आपको मज़ा आ जाएगा बात करने में। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप आओ पोखरण एरिया में, पोखरण से जैसलमेर की साइड, जैसलमेर यहाँ से 70 किलोमीटर है, मैं जिस लोकेशन पर हूँ यहाँ से 70 किलोमीटर है, तो आपको समझ में आ जाएगा दुकान कहाँ है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, ये देखो आप एरिया इधर, ये है, और महादेव होटल है नाम। जय शंभू भोले, जय भोले शंभू। बाजरे की रोटी और कड़ी, बाजरे की रोटी कड़ी और रिंगड़े की सब्जी, राइट? हाँ, मैंने अभी खाई है, तो वो भी आपको यहाँ मिलेगी, देसी खाना, जो बैगन बोलते हैं अपने उधर वो। तो बाकी मिलते हैं जैसलमेर में। जय महादेव, जय हिंद।